हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में अगेन हम सीखने वाले मैनेजमेंट अकाउंट का चैप्टर नंबर 2 नाम है नाणा के पत्रक विश्लेषण और अर्थदंड। इसका चैप्टर रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस चैप्टर में 3 मेथड है, एक है तुलनात्मक पत्रक, दूसरा है वलन दर्शाने टकावरी और तीसरा है सामान्य माप का पत्रक। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने 2 मेथड एक्सप्लेन की हुई है, वलन दर्शाने टकावरी और सामान्य माप का पत्रक। तो उसका वीडियो के लिए लिंक जरूर चेकआउट कीजिएगा। बात करता हूँ आज के इस वीडियो की, तो आज मैं सिखाने वाला आपको थर्ड मेथड तुलनात्मक पत्रक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सम्स लेने वाला हूँ यहाँ पर, यूनिवर्सिटी 2016 का सम्स है, उस साल पूछा गया था ये टॉपिक, इसके लिए मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का सम्स ले रहा हूँ। सम्स नंबर फर्स्ट में ब लिखा हुआ है, बी में पूछा गया है। पहले रीड करते देखो क्या लिखा हुआ है। तुलनात्मक नफा नुकसान पत्रक तैयार कीजिए, यह मेरा पूरा सम्स है। यह हमको नफा नुकसान पत्रक बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे 2 साल है, एक 2014 है और एक 2015 है, ऐसे 2 सम्स के लिए ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना रहेगा, जो पूरा सम्सन है मैं पूरा को पूरा राइट डाउन करना रहेगा, जो मैंने ऐसे राइट डाउन किया हुआ है आपको दिख रहा होगा, 2014 की इन्फॉर्मेशन और 2015 की इन्फॉर्मेशन, पूरी की पूरी सारी इन्फॉर्मेशन जो आंकड़े दिए थे वही के मैंने सम्स में लिखे हुए, 2014 के लिए और 2015 के लिए। बाजू में कॉलम ऐड किया गया है परसेंट का, टकावारी का। देखिए तुलनात्मक पत्रक में टकावारी के लिए क्या करना रहता है, तो बहुत ही ईजी है, ये नफा नुकसान पत्रक है राइट ना। तो फॉर्मूला याद रख लीजिए, वैसे तो लिखा गया खर्च अने आवकनी रकम गुणिया 100 और बटे में क्या आता है वेचाणनी रकम, सेल्स की अमाउंट आता है। इसका मतलब ये है कि तुलनात्मक पत्रक के नफा नुकसान में हमको क्या करना रहता है, वेचाण की तुलना में खर्च और आवक का परसेंट ज्ञात करना होता है। जो वेचाण है, जो सेल्स है, उसके परसेंट में कितना खर्च हुआ है, कितना आवक हुआ है। तो सिंपल सा काम करना है, तो देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो वेचाण सेल, तो उसके लिए क्या हमेशा 100% ही हो जाएगा, क्योंकि वही अमाउंट के लिए ज्ञात करना है राइट। तो अब बात करते हैं सेकेंड, वैल्यू दी गई शुरुआत ना स्टॉक, उसकी अमाउंट दी गई है 19,000। तो क्या करना रहेगा, 19,000 इंटू में 100 डिवाइड में क्या आएगा, इसका सेल्स कितना है 195। तो सारी रकम के लिए सेल्स की अमाउंट ही अपॉन में आएगी, जैसे कि 19,000 इंटू में 100 डिवाइड में 195, तो इससे आ जाएगा 90,000 का परसेंट सेल्स में कितना है 9.74% हो जाएगा। वैसे बात करता हूँ नेक्स्ट सेम एक और बताता हूँ, जैसे कच्चे माल की रकम दी है 65,000, तो 65,000 ये सेल्स में कितना परसेंट रखता है, तो 65,000 इंटू में 100 और डिवाइड में कितना आएगा 195, 65,000 इंटू में 100 डिवाइड में 195, तो उसकी अमाउंट भी हमको मिल जाएगी 33.33%। ऐसे सारे के सैलरी वैल्यू निकाला सारा एंड तक, जो चौखो नफो दिया वहां तक। बात करता हूँ दूसरा 2015 के लिए, तो 2015 का वेचाण सेल्स कितना दिया है 210,000, तो 210,000 के लिए तो 100% रहेगा और बाकी सब खर्च और आवक के लिए 210,000 को आधार वर्ष के रूप में लेना है, बेस ईयर के रूप में ले लेना है। तो जैसे 21,000 है, तो 21,000 इंटू में 100 डिवाइड में क्या होगा 210,000 किया जाएगा, 21,000 इंटू में 100 डिवाइड में 210,000, तो ऑटोमेटिक इसके अंदर कितना परसेंट आ जाएगा 10% आ जाएगा। वैसे आपको नेक्स्ट टॉपिक जो 75,000 की वैल्यू दी गई इंटू में 100 डिवाइड में हो जाएगा 210,000, 35.71% आ जाएगा। ऐसे आपको सारी वैल्यू फाइंड करने, ये हो गया तुलनात्मक पत्रक। मतलब नॉर्मल सा क्या करना है, तुलनात्मक के नफा नुकसान पत्रक में वेचाण की रकम के हिसाब से टकावरी निकालना है। तो हर एक रकम के इंटू में 100 और डिवाइड में क्या आएगा वेचाण, तो ये हो गया तुलनात्मक पत्रक। इससे पहले 2 मेथड में एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसका वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट जरूर कीजिए। इसी के साथ ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, और मैं चाहता हूँ कि आप मोस्ट ऑफ लोगों तक पहुंचे, इसके लिए आप शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।